अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मित्रों ते सज्जनों, अज दी गल असी पंजाबी च अपने मुल्क दे मसाइल ते उन्हां दे हल दे हवाले नाल करांगे। असी पिछले 77 साल तो इस मुल्क दे वास्ते एक सियाना चाहुंदे आ कि उह साडियां परेशानियां सारियां हल कर देगा। असी इह गल्लां अपने वड्डियां वडेरियां तो सुणदे आए आ कि जे कोई काम तुहाडे कोल नहीं हुंदा ते किसे सियाने दी सलाह ले लिया करो। वो गल कुछ इस तरह है कि कुछ साल पहले एक कुम्हार सी उहदे घर उहदे कोल उहदा जिहड़ा कुल खजाना सी एक ओरा खोता ते एक बकरी दा बच्चा। तो सारा दिन मिट्टी दे भांडे बनांदा। एक दिन उहदा बकरी दा जिहड़ा बच्चा सी वह सुबह सुबह उहने अपना मूँह किसी भांडे च फसा लिया। उस कुम्हार ते उहदी बीवी ने बड़ी कोशिश की कि उस बकरी दे बच्चे नूं वो मिट्टी के भांडे चोरा मूँह बहर कट दिए, लेकिन वो ये बुरी तरह नाकाम होया। उन्हें अपने पिंड के लोगों को सद्या कि मेरी मदद करो, मैं इतने आके फस गया वा, मेरे को बच्चा इस बर्तन चो बाहर नहीं निकलता। वो पिंड ने जाके बड़ी कोशिश की, मगर वह भांडे के मूँह चो बकरी के बच्चे का मूँह बाहर ना निकलिया। जदों उहदा मूँह बाहर ना निकलिया तो लोगों दीआं कोशिशां भी बेकार गईआं। तो पिंड दे सब तो सियाने ने कहा, गल ये आ पुत्तरा, ये अपने वस की गल नहीं, फलां पिंड दे विच इक सियाना रहिंदा है जिहड़ा अपने दसां पिंडां दा सब तो सियाना बंदा है, उहनूं लियांदे आ, उहदे कहिण ते अमल होवेगा तो कोई मसला हल हो सकदा है। लिहाजा फौरी तौर पर पिंड वालिआं ने घोड़ा टांगा जोया ते सिद्धा जाके उन्हूं लै के आए। वो जिवें आया है आंदे सार उन्हें कहा की मसला की है, ते वो पिंड दे सब तो सियाने ने कहा कि बाबा जी आ साडा जिहड़ा बकरी दा बच्चा है इन्हें अपना सिर भांडे च फसा लिया, निकलदा नहीं पिया। उन्हें कहा ते कोई मसले की गल ही नहीं है, लेकिन मैनूं तुहाडी अकल ते अफसोस है। उन्होंने कही वह कादी गल? उन्हें कहा एक कुम्हार दा जिहड़ा कुल खजाना है वो उहदे बर्तन है, ए जानवर जिन्हों मैं उहदे विचों भांडे चो कढ़न की कोशिश करांगा, इहदा की पता ये अगे होवे पिछे होवे, भांडे तो टुट जाने ने, वेड़े तेरे जगह काई नहीं, तुसी सारे मेरे नाल लगो तो इहदा वेड़ा खाली करो। वो सारा पिंड लग के कच्चे बर्तन चुकन लगे, तिड़क गए तो पक्के रखन लगे, भुर गए। वो इर्द गिर्द करके उहदे बर्तन उन्होंने सट्टे तो वह जगह खाली की। सियाने ने बड़ी मेहनत की, किसी तरीके नाल उस भांडे दे विचो बकरी दे बच्चे दा मूँह बाहर आए, लेकिन वह भी नाकाम रहा। इस दौरान सुबह तो शाम तक दा टाइम हो गया तो वह जरा बकरी दा बच्चा सी वह सा औखे औखे लैन लग गया। सियाने ने कहा छुड़ी ले आओ जल्दी करो, वह हराम ना हो जाए। उन्हें तकबीर फड़ी ते उन्हूं ज़िबा करता। ज़िबा करके उन्हूं कहन लगा, ओए देख रब दी किन्नी तेरे ते रहमत है, अज पूरा पिंड तेरे घर आके बैठा होया है, तेरी मुसीबत वास्ते तेरे काम मान दे, ते अल्लाह ने आ जानवर तेरा हराम होण तो बचाता, लियाओ नाई ते पकाओ ते इन्हां नूं खवाओ। ते रही गल तेरे इहदे सिरी दी, सिरी भी तेरी इंशाला इहदे विचों ना बो मार जानी है जे भांडे चों ना निकली। तो उन्हें कहा बाबा जी चलो वही कढ़ दो। उन्हें कहा पुत्रा लिया मेरी डांग, ठा करके उन्हें डांग मारी, वो मटका टुट गया। उन्हें कहा लै पुत ए सिरी भी तेरी बो मारन तो बच गई है। पाकिस्तान के मौजूदा निजाम च पिछले 30 वरिया तो ये IPP वाले साढ़े मुल्क का बेड़ा गर्क कर गए। इन्हां सियाणियां ने जिहड़ी पूरी दुनिया के कट्ठे हो गए आए सी कि पाकिस्तान के उत्ते जिहड़ा इस वक्त मसला हैगा बिजली दा, इहदे हल वास्ते IPP दा सिस्टम ला लो। असीं उह लवा लिया उहनां दे कहिणां दे उत्ते, और साडे सब तो पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट, पढ़े लिखे साडे सियासतदान, उहनां ने मिल के साडा भांडा भी तोड़ता, साडा जिहड़ा रहन सहन दा जिहड़ा निज़ाम सी उह भी तबाह करता। ते हुण आ के कहिंदे ने IPPs वाले अपने मामलात नूं डील करन नूं तैयार हो गए ने। देखते रहियो वार।